हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी और टेस्टी सी ड्रिंक की रेसिपी, जिसे आप स्टोर करके एक महीना तक फ्रिज के अंदर रख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कप सौंफ, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारी सौंफ अच्छे से फूल गई है, और अब इसका पानी सारा हम निकाल लेंगे और बाकी का पानी साइड में रख देंगे। तो मैं ये एक बोल के अंदर सारी सौंफ को ले ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने पानी एकदम साइड में कर दिया है, और अब इसके अंदर लेंगे हम इलायची। तो ये मैं 15 से 20 इलायची ले रही हूँ। ये सिर्फ हम फ्लेवर के लिए ले रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ मिश्री, तो जो रस्सी वाली मिश्री आती है मैंने वो ली है। तो इस टाइप की मिश्री आती है वही लेनी है, और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना। ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं टूटती है, तो जिस हिसाब से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर दिखाया आपको, उस हिसाब से इसे तोड़ लेना है। और फिर उसके बाद में हम इसका मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मिक्सी जार के अंदर मैंने बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लिया है। आप चाहो तो और छोटा जो जूसर आता है उसके अंदर भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसे हम एक बार छान लेंगे, तो जो छलनी आती है उसमें अच्छे से छान लेना है। आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और एकदम छान कर यूज़ करोगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अच्छे से इसे हमें छान लेना है, और फिर उसी के बाद में हमें इसके अंदर मिश्री ऐड करनी है। पहले हमें इसके अंदर मिश्री ऐड नहीं करनी है। तो मैंने एक कप सौंफ ली है, तो इसके साथ में हम 2 कप मिश्री लेंगे। तो मिश्री का ये एकदम पाउडर ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास दरदरी मिश्री है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर बीच बीच में आप इसे चेक कर ले कि आपको मीठा किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से आप इसके अंदर मिश्री ऐड करें। मिश्री और सौंफ एकदम ठंडा तासीर रखती है, जो आपके पेट को बहुत ज़्यादा ठंडक देगी। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसकी आइस क्यूब्स के शेप में भी इसे स्टोर कर सकते हो, और बाद में इसे आप एयर टाइट कंटेनर या फिर जिपर में स्टोर करके रखोगे तो भी चलेगा। तो अच्छे से हम मिश्री को मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा ये कितना अच्छा शरबत बनकर तैयार हुआ है। इसे सिर्फ ग्लास में डालना है, और आपको जिस इतना पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसे रेडी कर लेना। तो इसे मैं कंटेनर के अंदर डाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।